और इसको छोड़ दो, शूट कर लो। देखो इतना भी मत छोड़ो, एक बार छोड़ दो, एक फोटो ले लो। तो यहाँ पे इनकी हो रही है मालिश शुरू। ये मैंने सेटअप तैयार किया है क्योंकि इस कमरा बहुत ठंडा है, तो यहाँ नीचे एक बिस्तर लगा दिया जिससे कि धूप में यहाँ पे अच्छे से मालिश होते रहे बच्चों की। मोनिका, मालिश मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी मालिश मिस नहीं होती, बच्चों का रूटीन सेम रहेगा, उनको चेंज नहीं होना चाहिए, मालिश नहाना सब कुछ इनका फिक्स रहेगा। तो आज आज अगर नहीं करें और नहलाना तो चलो मंदिर, आज तो बालाजी के आए हैं तो साला सर बालाजी के दर्शन करने के लिए तो नहीं नहीं करनी पड़ेगी ना हन्नू को। हन्नू को लेट जा बेटू, लेट जा। जय रामचंद्र की जय। जय 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 जय। So, हमारे दर्शन हो गए हैं, होली बांध ली है, यहाँ पे सब होली बांध रहे हैं और दर्शन हो गए हैं। इतनी भीड़ है ना सुबह सुबह भी न्यू ईयर पे। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे बन रहा था प्रसाद और यहाँ से फिर जाना है हमें छोटी सी। आज हम नहीं खोने वाले, भीड़ है अति भयंकर, नया 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 साल है और इतनी ज्यादा भीड़ है कि सब एक दूसरे को पूछे कि कहाँ है कहाँ है। आप सालासर और वहाँ की दुकानों से आप कुछ खरीदो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर आपको आकर्षित करने वाली दुकानें लगी होती हैं ना कि आप वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदते हो। हमने भी बहुत कुछ खरीदा, एंड स्पेशली पूजा का सामान, वो तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। और फिर हम निकल चुके थे अपने नानी घर के लिए, दूसरा सफ़र स्टार्ट हो गया था हमारा, नानी घर जाना था हमें। वहाँ से जाके हम बहुत टायर्ड थे और वहाँ से हम वापस भी निकल चुके थे, शाम हो गई थी हमें निकलते निकलते, 3-4 बज गए थे ऑलमोस्ट। और वहाँ से निकल के हम निकले जयपुर के लिए और जयपुर में बस चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। हमारा जो सफ़र है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, होते होते शाम हो गई, बच्चे सो गए, सब लोगों ने एक नींद मार ली, किसको जिसको जितना इतना टाइम मिला। और रिंगस आते आते तो इतनी भीड़ थी, बाबा रे, रिंगस में तो बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, हम ट्रैफिक में 1.5 घंटा फंसे थे। जाना बातें करो बाबू से। है बाबू क्या बोल रहे हैं, मस्ती कर रहे क्या? अरे वेलकम बैक। और जैसे कि हम लोग सालासर से घर पहुंच चुके थे, 2 तारीख को बिटोदी की फ्लाइट थी, वो जा चले भी गए हैं। और कृष्णा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, बहुत हैक्टिक हो गया बच्चे के लिए। और ठंड बहुत बहुत ज़्यादा थी, इन 2-3 दिनों में तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई ना कि समझ ही नहीं आया कि एकदम से टेम्परेचर यू नो बहुत कम हो गया और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो उसको फीवर हो गया है। वो कल से उसको फीवर है,
तो मैं जो है अभी कृष्णा सोया है और फटाफट से नहा के बस पूजा करी है और खाना भी समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं क्योंकि वो तो खा नहीं रहे वरना उसका और मेरा एक ही फूड बनता है जैसे खिचड़ी हो गई कुछ और हो गया। ये मैं बेर है बड़े वाले बेर है तो मुझे बहुत पसंद है चेतन लेके आए थे मेरे लिए। ये देखो ये जो बड़े बड़े साइज के बेर आते हैं ना ऐसे बेर है तो ये पता मैं ऐसे ही खाती थी लेकिन आज मुझे लगा यार ये इसको काट के अगर काला नमक लगाया जाए तो शायद टेस्ट अच्छा लगे तो मैंने आज अभी ऐसे ट्राई कर रही हूँ। और कृष्णा सो रहा है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा शूट भी कर लूँ क्योंकि दो तीन दिन से कर ही नहीं पाई हूँ। उसको ना कल से परसों शाम से थोड़ी सी खांसी स्टार्ट हुई थी उसको थोड़ी सी खांसी आ रही थी तो मैंने उसको फिर खांसी की दवाई दी थी। मुझे लगा था कि बच्चा बीमार ना हो पर सुबह उसको फिर फीवर आ ही गया था। कल हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे उसको दिखाया बट डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल वायरल है ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मुझे बहुत ही यू नो ऐसा लग रहा था कि कृष्णा को कभी फीवर नहीं हुआ मतलब उसको सिर्फ इंजेक्शन्स लगे थे सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में तभी उसको फीवर हुआ था उसके बाद से उसको फीवर नहीं होता है यूजुअली। तो मुझे ना ये शायद ऐसा फर्स्ट टाइम है कि बिना किसी रीज़न के उसको फीवर हुआ हो जैसे कि कोई इंजेक्शन लगना हो कुछ और तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। कृष्णा बहुत डल सा हो गया था और ना वो उसको मतलब मेरे चिपक रहा था और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार बच्चा बीमार हो गया। बट कोई बात नहीं सर्दी है बच्चे बीमार हो जाते हैं बट हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड बस अभी कृष्णा सो रहा है मुझे लगा फटाफट कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत खा लूँ तो थोड़ी एनर्जी बनी रही। कृष्णा जग गया शायद तो कृष्णा भी जग गया। गुड मॉर्निंग बेटू। थोड़ा सा गर्म फीवर है इसको। बेटू मम्मा ठंडी ठंडी हो रही है आप गर्म गर्म हो रहे हो। हमेशा मतलब ऐसा थोड़ा डर हो गया था अच्छा नहीं लग रहा देख के बट ठीक है कोई बात नहीं डॉक्टर ने बोला है दो दिन में ठीक हो ही जाएगा। सो आज आज की बात है बेटू कल मस्त है तू टेंशन मत लो आप ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओ मम्मा तो यही थी मम्मा थोड़ी छोड़ के गई आपको कहीं पे यहीं पे मम्मा मम्मा की तरफ देखो कहाँ हो गया मम्मा ने तो खाना भी नहीं बनाया बाबू जग जाएगा कुकर की आवाज से। मैं कुकर में जो भी बनाती हूँ इस टाइम पे कुकर में बनाती हूँ ताकि फटाफट से बन जाए और खा लूँ तो मैंने इसी डर से नहीं बनाया कि ये सो रहा है तो जग जाएगा। ज़्यादा सो नहीं पा रहा आधा घंटा मुश्किल से सो पा रहा है फिर जग जा रहा है एकदम से। अगर मैं सो रही हूँ पास में तो सो जा रहा है थोड़ा सा तो मैं सोई हुई थी इसके पास में ज़्यादा कुछ काम किया ही नहीं हमने है ना सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं डोंट वरी। मैं और कृष्णा जो है वो छत पे जा रहे हैं। कृष्णा को मैंने जैकेट पहना दी है ये ठंड तो बहुत बेटू ठंड तो है धूप आई ही नहीं है बट मुझे थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही है तो मैं कृष्णा को सोचा कि थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं क्योंकि दो दिन से बच्चा जो है वो अंदर ही बंद है रूम में से हीटर चल रहा है और बैठा हुआ है। सो क्योंकि दो दिन से धूप आई नहीं है यहाँ पे आज थोड़ी सी हल्की सी धूप दिख रही है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उसको घुमा के लाऊं छत पे। हालांकि ठंड तो है बट दवाई वगैरह दी हुई है एंड सबसे बड़ी भी बात यह है कि थोड़ा सा फ्रेश यू नो एयर मिलना भी बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा। एक तो लिफ्ट ही बंद है चलो दूसरी बुलाई है थोड़ा सा फ्रेश हवा मिलना भी ज़रूरी है बच्चे को इसलिए लेके आई उसको छत पे जाऊंगी। अभी छत जो है हमारी 10th फ्लोर पे है और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है वो सिटिंग पर्पस से और बच्चों के खेलने के हिसाब से ही वहाँ पे बनाया हुआ है क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा एरिया वाइज बड़ा नहीं है कि बच्चों के खेलने की जैसी चीज़ें बना सके। काफ़ी जगह है नीचे लेकिन वो पार्किंग वार्किंग में ही रुक जाती है एक्चुअली में क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पे। ओ भाई अब यही प्रॉब्लम है दो लिफ्ट है पर एक ही चल रही है दूसरी पता नहीं क्यों बंद है और इतने सारे फ्लैट्स हैं तो हमेशा एंगेज ही रहती है बहुत मुश्किल है। और अब 10th फ्लोर पे आप मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो 5th फ्लोर से आप 10th फ्लोर पे जा भी नहीं सकते वैसे ही चल के। जब बच्चे खेलते हैं तो ये बहुत एंजॉय करता है उनको देख के
दादा उधर इधर शॉट मारना बस। किशु और सामने सॉरी इधर दो।